Assalamualaikum क्लास। वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, एक मिनट तक इंतजार कर लें, सब अभी आ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बतानी है आज आप लोगों ने। एक तो जो मस्कोस करके जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, उनको मैं पहले शायद रीजनल पढ़ा चुकी थी। कुछ वो तो स्टूडेंट्स हैं, वो ऑलमोस्ट मेरे पास 50 के अराउंड थे लास्ट सेमेस्टर में जब इन्होंने रीजनल उनसे पढ़ा था। अब मस्कुलर स्केलेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है ना, मेरे पास 8 स्टूडेंट्स हो चुके हैं एमएसडी के। तो मैंने सिर्फ ये पूछना है, ये बाकी वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रीजनल मुझसे नहीं पढ़ी थी, और क्या इन्होंने कोई अल्ट्रासाउंड का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा पहले और वो ये सब्जेक्ट पढ़ रहा है, और मुझे ये बताया कि उसने अल्ट्रासाउंड पढ़ा हुआ है पहले सब्जेक्ट? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं बेसिक्स थी जो कि मैं सिर्फ इसमें इसलिए बताती नहीं हूँ कि हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड पढ़ ली हुई है, और अल्ट्रासाउंड के अपेयरेंस और उसकी जो बेसिक, ये ना हो कि उसने अल्ट्रासाउंड पढ़ी ही नहीं है तो उसको डिफिकल्टी हो ये सब समझने में। तो मैं फिर उसको साथ साथ वो चीजें भी एक्सप्लेन किया करूँ जो कि एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है सोनोग्राफी की। तो कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कोई बताएगा मुझे? अदर देन रीजनल अल्ट्रासाउंड जिन्होंने रीजनल मुझसे पढ़ी थी, उसके अलावा, क्योंकि वो तो 50 थे, अब मेरे पास 108 स्टूडेंट्स हैं जो कि इस क्लास में रजिस्टर्ड है। या मेरा ख्याल अभी आए ही वो वाले स्टूडेंट्स हैं रीजनल वाले, उनमें से। और इसके अलावा कोई आया नहीं, सारे सोए हैं इसलिए कोई बता नहीं रहा, सारे जूनियर हैं। आज तो सुलाती हूँ मैं सबको, मैं बीच बीच में क्वेश्चन पूछूंगी ना, सारे जाग के बैठेंगे। मैम ये सारे जूनियर्स हैं हमारे। जूनियर्स कौन से हैं, मतलब इन्होंने अल्ट्रासाउंड का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है? मैम इन्होंने प्रोबेबली लास्ट सेमेस्टर मैम कुरत से पढ़ा है। यस मैम, जनरल अल्ट्रासाउंड पढ़ा था। कोई है ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने जनरल अल्ट्रासाउंड पढ़ा हुआ है? जी मैम। यस मैम। जी मैम। यस मैम। रीजनल भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये जनरल अल्ट्रा, आपने रीजनल नहीं पढ़ा हुआ ना फिर? नो मैम, पढ़ा हुआ है। नो मैम, पढ़ा हुआ लेकिन ऑप्शन नहीं पढ़ा हुआ। पढ़ा हुआ है मैम। आप लोगों ने रीजनल भी पढ़ लिया और जो है जनरल भी पढ़ लिया, राइट? जी मैम, जनरल आप भी पढ़ा था। दोनों पढ़ लिए जनरल। अच्छा, वो वाले स्टूडेंट्स हैं जनरल वाले? Yes, ma'am. चलो फिर तो मसला नहीं है कोई भी। तो मुझे पता नहीं था ये कौन सा स्टूडेंट है, ये ना हो कि आप लोगों ने बेसिक्स ही नहीं पढ़ी। अब आप ये मिस्टर मैमो भी पढ़ रहे हो ना, वो वाले बच्चे हो ना? जी मैम। yes, ma'am. अच्छा चलो फिर सही है। अच्छा एक और चीज, मेरे पास ना स्टूडेंट्स, अभी आपको पता था एयर ड्रॉप चल रहा था, तो अटेंडेंस जो होती है ना वो मेरे पास जूम के अंदर खुद ही रिकॉर्डेड, जो भी हम लोगों के पास रिकॉर्ड आता है ना इसके अंदर है जूम के अंदर खुद ही, भी बाद में हम लोग उससे आपके ए पोर्टल के ऊपर अटेंडेंस लगा देते हैं। तो जो ए पोर्टल के ऊपर जिनके नेम्स आ रहे होते हैं ना, वही मेरी क्लास में रजिस्टर्ड है। काफी स्टूडेंट्स जो है लास्ट क्लास में भी, और जो है ना बाकी क्लासेस मेमो वगैरह भी देख लेना आप लोग, जो मेमो के स्टूडेंट्स है उसमें ये होता है कि इधर प्रेजेंट है, जब मैं ए पोर्टल पे लगाती हूँ या तो उनका नेम नहीं होता, या फिर जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कोई मतलब अटेंडेंस नहीं लग सकती, वो जो ब्लैक लाइन जिस पे आ रही होती है, और या उनके रजिस्ट्रेशन का कोई मसला होता है, तो वो आप देख लो कि जिनकी अटेंडेंस नहीं लगी लास्ट सेमेस्टर भी मेमो वाले भी, और जो भी अपने सब्जेक्ट्स हैं वो चेक करो कि आया वो लोग रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं। वो क्लास में तो होते हैं प्रेजेंट, लेकिन वहाँ पे नाम नहीं है उनके, ठीक है, या फिर वहाँ पे नाम है और यहाँ पे, इस तरह करके कुछ मसले आ रहे हैं। तो मैंने तो मेनली ए पोर्टल पे आपके टर्न, जो ए पोर्टल पे आप लोगों के पास नाम है ना वही मेरे पास सारे रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। तो वो जिनके ए पोर्टल पे नाम नहीं है वो क्लियर करें अपना सारा कि आप लोग रजिस्टर्ड भी हैं कि नहीं है इस कोर्स में। मैम अभी रजिस्ट्रेशन खत्म हो गई, आज से सही लगा दे ये अटेंडेंस। हाँ वो वही तो मैं कह रही हूँ, आज तो मैं अटेंडेंस सबकी लगाई, अटेंडेंस का आप लोग टेंशन ना लो, अटेंडेंस तो मैं वो तो पता है ड्रॉप के टाइम पे जो कुछ चल रहा होता है वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन मैं उन बच्चों का कह रही हूँ जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्लास तो ले रहे होते हैं लेकिन वहाँ पे नेम ही नहीं है, फिर उनके अटेंडेंस कहाँ लगाऊँ? तो वो जाके अपना क्लियर करें कि जो है वो उनका कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। अच्छा क्लास स्टार्ट करें।
क्या लास्ट टाइम हम लोगों ने इसी लेक्चर का हमने कंटिन्यू करना है। अच्छा आज का लेक्चर तो तुम लोग पढ़ लो ठीक है, जिस तरह मैं जो सोए हुए सोने दो उनको। अगले लेक्चर में मैंने क्या करना है, मैंने बीच में किसी का भी नाम ले लेना है, जिस तरह मैं मैम सब जाग रहे हैं ठीक है, वो जो सोए हुए ना उनका मुझे पता चल जाएगा। लास्ट में जो रीजनल की एक क्लास हुई है उसमें मैं बोल बोल थक गई, ये बताओ स्टूडेंट को, ये बताओ स्टूडेंट को, ये मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो बच्चा आगे से जवाब ही नहीं दे रहे। मैंने कहा आप लोगों ने सही है ऑन करके ना अपनी लेक्चर्स को सोए हुए सारे, तो मैं अब इस तरह ना बीच में मैंने मेरा दिल है कि मैं आप लोगों की 5% न्यू वाली जो क्लास पार्टिसिपेशन है ना 5% रख लूं और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूं सबसे 5% का, और वो कभी भी किसी भी टाइम क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, होश में रहना ठीक है। कोई क्या बोला था मैम, कोई बोलने मैं पार्टिसिपेशन के मार्क्स बढ़ा दूं, लगा दूं ऐसे ही लगा दूं, पूछा है नहीं मैम, मैम बढ़ा दे 5-10 कर दे बच्चे फिर पार्टिसिपेट करेंगे। वेरी फनी, और जो जिनके नहीं लगे ना उन्होंने ऐसे चीखना। नहीं मैम वो क्यों नहीं लगेंगे, उनके भी आप लगा देंगे। अच्छा मैम रिकमेंड से स्टार्ट करना था ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था क्रिटिकल जोन भी। अच्छा बताओ जरा क्रिटिकल जोन क्या होता है, मैम ऐसा एरिया जहां पे ब्लड वेसल नहीं होती, ब्लड वेसल होती है इसके कोई मार्क्स नहीं है, ब्लड वेसल होती है मैम, लेस वेस्कुलराइज्ड एरिया। अच्छा ब्लड वेसल्स नहीं होती मैम, ज्यादा पैथोलॉजीज होती हैं। कोई एक एग्जांपल मैम, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि हम लोगों ने अभी तक टेंडन पढ़े हैं, मसल्स पढ़े हैं ठीक है, उनकी लेयर्स पढ़ी हैं ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने उनकी सोनोग्राफिक अपेयरेंस देखी है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ मसल एंड अ नर्व ऑन ट्रांसवर्स व्यू, जमीर हमारा जमीर जाग रहा है। जी मैम चलो आप बताओ। जी क्या बताऊं मैम, बताऊं दोबारा, देखा सो रहा था मैं, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ मसल एंड नर्व ऑन ट्रांसवर्स व्यू, मैंने लास्ट टाइम बताया था या लास्ट टाइम सो रहे हो गए। जी मैम पढ़ा नहीं है इस बार, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे मैम। अच्छा और कौन बताएगा, ठहर जो मैं लाइंस देखना, नहीं बिस्मा मैंने आपसे नहीं पूछना, मैं अपनी मर्जी से पूछूंगी अभी। एहतशामुल्ला अनम्यूट योरसेल्फ, ये भी सो रहा है। अच्छा माहा अदील, नो रिस्पॉन्स, देखा बच्चे। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम माहा, माहा आपने तो लास्ट क्लास ली भी नहीं है मेरा ख्याल है ना। मैम जी जी मैंने आपको ईमेल में बताया था ना, लेकिन उसमें कोशिश करूंगी इंशाल्लाह मेरी क्लासेस। सही है, आपको मैंने ईमेल का रिप्लाई में किया था, किसी तरह मैनेज करो क्योंकि आप इजी है कि ऑनलाइन क्लासेस ले सको, अगर आपको यहाँ पे ऑन कैंपस लेना पड़ता तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, तो मैनेज करो किसी तरह, आपके तो यहाँ पे रात हुई होगी इस टाइम। जी यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, 12:12। कोई बात नहीं, वैसे ही हम लोग 2-3 बजे तक तो जागते रहते होते हैं रमजान में। जरूर जरूर, नहीं नहीं मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी अपनी सारी क्लासेस अटेंड करूं। मायदा रफीक, देखा
यस मैम जान गई हो चलो बताओ हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ मसल एंड अ नर्व ऑन अ ट्रांसवर्स व्यू मैम जो नर्व होते हैं उसमें हमारे पास कंटीन्यूअस बंडल्स आते हैं और जो हमारे पास मसल होती है उसमें जो बंडल्स होते हैं वो सेपरेट नजर आते हैं उसमें गैप्स होते हैं रॉन्ग आंसर ओके मोहम्मद काशिफ यस मैम आप बताओ मैम आज नहीं पढ़ा हूँ चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में शाबाश मोहम्मद यासीन इसने भी क्लास नहीं ली थी लास्ट चलो छोड़ो अस्सलाम वालेकुम मैम वालेकुम सलाम आपने भी नहीं थी ली ना क्लास लास्ट जी मैम मैंने क्लास नहीं अटेंड की चलो माफ किया आगे आ जाओ समिया शाहिद यस मैम आप बताओ मैम जो नर्व होता है अगर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो उसके अंदर हमें राउंड राउंड डॉट्स नजर आते हैं इकोजेनिक अगर मसल का देखते हैं तो हमें स्ट्रेट इकोजेनिक दिखते हैं कर्व स्ट्रेट ठीक है अब मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देती हूँ जो अगर हम लोग नर्व को ट्रांसवर्स व्यू में कट करते हैं तो हमारे पास हनीकॉम अपीयरेंस होता है दैट मींस के उसके अंदर वाइट डॉट्स नजर आते हैं कट सेक्शन ट्रांसवर्स व्यू सर्कल में और उसके अंदर वाइट छोटे छोटे अगर डॉट्स नजर आ रही हैं दैट इज नर्व अगर उसी तरह अगर हम मसल को ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करते हैं तो वहां पे हमें डॉट्स के बजाय छोटी छोटी लाइंस नजर आती हैं ठीक है स्मॉल लाइंस दैट इंडिकेट्स द स्ट्राइएशंस ऑफ द मसल जो कि अगर लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में करें तो हमें स्ट्रेट स्ट्रेट लंबी लंबी सी वाइट कलर की लाइंस नजर आती हैं ऑन लॉन्गिट्यूडनल स्कैन लेकिन अगर हम लोग ट्रांसवर्स व्यू में करते हैं तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्कैन की जो लॉन्ग लाइंस है वो हमें स्मॉल छोटी छोटी सी जो है ना वो लाइंस नजर आएंगी सो बेसिक डिफरेंस क्या है लाइंस एंड डॉट्स दोनों एकोजेनिक होते हैं उनके ऊपर तो डॉट्स और हनीकॉम अपीयरेंस जो है वो नर्व का है एंड स्मॉल लाइंस ऑन ट्रांसवर्स व्यू एकोजेनिक जो है वो मसल का है ओके क्लियर है अब चलो इस दफा माफ किया लेकिन अगली दफा ना होश में रहना सारे और ये ना हो कि मैं किसी के इसी तरह क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स लगा दूं 5-5% के फिर ना रोना ठीक है अच्छा मसल्स पढ़ लिए हैं हम लोगों ने टेंडन्स पढ़ लिए हैं क्रिटिकल जोन पढ़ लिए हैं उनकी हम लोगों ने लेयरिंग पढ़ ली है उसके अलावा हम लोगों ने उनका सोनोग्राफिक अपेयरेंस पढ़ लिया है सोनोग्राफिकली वो ट्रांसवर्स पे कैसे नजर आते हैं फिर हमने बेसिक कुछ चीजें पढ़ी थी जिसके अंदर हमें पता हो कि हमने फ्रिक्वेंसी कितनी रखनी है फॉर द मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड ताकि हम लोगों की रेजोल्यूशन बेहतर से बेहतर हो पेनिट्रेशन तो हमें रिक्वायर्ड नहीं होती मिनिमम कितनी हम लोग फ्रिक्वेंसी रखेंगे और उसके बाद जितनी भी हम बढ़ाएंगे उससे रेजोल्यूशन बेहतर होती जाएगी लेकिन हम लोग जो मिनिमम है वो हमें रेंज पता होनी चाहिए 8 या 7.5 मेगाहर्ट्ज से अबव ही हम मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के लिए फ्रिक्वेंसी रखते हैं ठीक हो गया उसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था कि हम प्रोब की ओरिएंटेशन और प्रोब की जो प्लेसमेंट है वो कितना रोल प्ले करती है हमारे पास वहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं लेकिन वो आर्टिफैक्ट्स हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं हमें क्या चाहिए होता है हमें डिफरेंट शेड्स चाहिए होते हैं डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं क्योंकि हमने मस्कोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के अंदर ये 3-4 चीजें ही देखनी होती हैं वो थोड़े थोड़े से एकोजेनिसिटी उनकी डिफर कर रही होती है ठीक है स्लाइड स्लाइड उनका जो वो है क्या कहते हैं ग्रे शेड जो है वो डिफर कर रहा होता है इस वजह से हम लोगों को इतनी अच्छी रेजोल्यूशन चाहिए कि वी कैन डिफरेंशिएट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ओके उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था हमने बस यही चीजें पढ़ी थी आज हम पढ़ेंगे लिगामेंट्स लिगामेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं बेसिकली जो है वो टेंडन्स की तरह ही होते हैं बट दे यूनाइट द बोन्स विद ईच अदर द मेन डिफरेंसेज आर रिड्यूस थिकनेस एंड लेस रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट जो टेंडन और लिगामेंट का मेन डिफरेंस है वो उनकी थिकनेस है ठीक है लिगामेंट की थिकनेस कंपैरेटिव टू टेंडन कम होती है बिकॉज आपको पता होगा कि अपने बैंड्स देखे होंगे छोटे छोटे से वाइट कलर के जो कि बोन्स को अटैच कर रहे हैं दे आर लिगामेंट लेकिन जो टेंडन्स होते हैं ना दे आर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द मसल मसल इतना बड़ा होता है ठीक है आगे से जाके वो थोड़ा सा वो क्या कहते होते हैं स्मॉल होना शुरू हो जाता है उनकी थिकनेस ज्यादा जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है बेसिकली दीज आर द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द मसल्स जो कि अटैच करते हैं फिर बोन्स के साथ नोन एज टेंडन्स ठीक है लिगामेंट्स अलग से बैंड होते हैं
उन्हीं की तरह के होते हैं, लेकिन जो है ना एक तो इनकी थिकनेस रिड्यूस्ड होती है और दूसरा ये कि लेस रेगुलर अरेंजमेंट होती है उनकी कंपैरेटिव टू द टेंडन्स. ठीक है. फॉर दिस रीजन इट इज हार्डर टू स्टडी लिगामेंट्स विद अल्ट्रासाउंड देन टेंडन्स. ठीक है. वो हमें बट ब्राइट नजर आते हैं, वी कैन डिफ्रेंशिएट के ये जो बोन्स के साथ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दीज आर द लिगामेंट्स. आपको जब मैं इमेजेस दिखाऊंगी ना वो आप गौर से देखना कि थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है इनकी चीजें, क्योंकि सेम सेम नजर आते हैं लिगामेंट्स भी टेंडन्स भी और बट मसल्स जो है वो हमें डिफरेंट नजर आते हैं. ठीक है. बाकी लिगामेंट्स दे कंटेन अ हायर अमाउंट ऑफ इलास्टिन व्हिच इज नेसेसरी एलिमेंट टू सप्लाई दी स्ट्रक्चर विद सम डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी फॉर देयर वेरी इंपॉर्टेंट बायोमैकेनिकल रोल इन द स्टेबिलाईजेशन ऑफ द जॉइंट्स एज दे आर अटैच विद द बोन्स. तो हमें इनकी स्टेबिलाईजेशन, उनकी मूवमेंट, जब बोन्स मूव करती हैं तो हमें इसके अंदर इतनी इलास्टिसिटी चाहिए कि वो जब वो मूवमेंट में रोल प्ले करें तो उनमें हमें प्रॉब्लम ना हो. तो दैट्स वाई इसके अंदर इलास्टिन मटेरियल जो है ना वो बहुत ज्यादा होता है. तो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो है बोन्स के साथ अटैच है फॉर द स्टेबिलाईजेशन ऑफ द जॉइंट्स, जॉइंट्स की मूवमेंट होती है, दैट्स वाई. ओके. लिगामेंट्स आर कंपोज ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लाइक टेंडन्स. ठीक है, ये तो पता हो गया. But there is much variability in the amounts of collagen, elastin, and fibrocartilage within a ligament. ठीक है, which makes its ultrasound appearance more variable than the tendons. अब there are two types of ligaments. One is the intrinsic and other one is the extrinsic ligament. ठीक है, जो intrinsic ligaments हैं, they appear as localized thickening within the capsule. अब ये intrinsic है. Intrinsic name से बता रहा है within the capsule or extrinsic outside the capsule. ठीक है, जो हमारा कैप्सूल है, क्या कह सकते हैं उसको, जो हमारे पास जॉइंट है उसके अंदर हम लोगों को जो लिगामेंट सराउंडिंग में नजर आते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक इनर और एक आउटर. ठीक है, जो इनर वाला होता है ना जो कैप्सूल के साथ अटैच होता है, जब हम नी एनाटॉमी पढ़ेंगे ना उसमें आपको दिखाऊंगी किस तरह हम अटैच होते हैं. ठीक है, और वो दो लेयर्स अलग अलग से नजर आ रही होती है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की. ठीक है, तो बेसिकली विच अपीयर्स एज लोकलाइज्ड थिकनिंग विद इन द कैप्सूल, जो कैप्सूल के अंदर नजर आएगा विद द स्ट्रेंथनिंग फंक्शन एंड विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फाइब्रस कैप्सूल आर द इंफ्रिंजिंग कैप्सूल. ठीक है, दे आर क्लासिफाइड एज एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर. आगे उसमें ठीक है लिगामेंट को दो में डिवाइड कर दिया. सिंपल सिंपल सी एनाटॉमी सी है, इसमें कुछ समझने वाली चीज नहीं है. जहां पे अल्ट्रासाउंड का कुछ ऐसा आएगा जो हमें प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, फिर भी अगर किसी को ना समझ आए तो वो मुझे बता सकते हैं. The ultrasound examination of ligaments, unlike tendons, is mainly performed using long axis view. क्यों? Because किसके लिए हमें जो है वो striations required होती हैं? Muscles के लिए मैम. और tendons के लिए भी ना, क्योंकि these are the continuation of muscles. तो उसके लिए भी हमें स्ट्राइएशंस नजर आ सकती हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस कि हम अगर तीनों को देखें ना, अगर तीनों को एक साथ पड़ा हुआ देखें तो हाउ कैन यू डिफरेंशिएट अ लिगामेंट, टेंडन एंड अ मसल ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी. के मसल्स तो क्लियरली नजर आ रहे होंगे कि हमारे पास वाइट उसके अंदर फेसिकल्स और वाइट हमारे पास स्ट्राइएशंस नजर आ रही हैं और वो एक थिक सा ग्रे सा हमारे पास मसल है. ठीक है, जो टेंडन है वो हमारे पास कंपेरेटिव टू मसल बहुत बहुत उसकी थिकनेस कम होती है. ठीक है, उससे ब्राइटर होता है, एक तो एकोजेनिक होता है, उसके अंदर भी हमें वाइट स्ट्राइएशंस नजर आएंगे. जो लिगामेंट होता है वो तो मेनली हमें पूरा का पूरा कोलेजन फाइबर जिस तरह वाइट कलर का नजर आता है ना बोन के साथ, वो तो अलग से ही नजर आ रहा होगा क्योंकि पता चल जाएगा कि दीज आर द लिगामेंट. तो जो जिस तरह टेंडन्स के अंदर स्ट्राइएशंस नजर आती है लॉन्ग लॉन्ग सी, उसके लिए हमें लॉन्ग एक्सिस व्यू रिक्वायर्ड होता है. ठीक, मसल्स के लिए और टेंडन के लिए, बट लिगामेंट के लिए हम लोग जो है वो इतना जरूरी नहीं होता है. इसके लिए हम शॉर्ट एक्सेस व्यू जो है ट्रांसवर्स व्यू के अंदर भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं. बट फिर भी हम लोगों ने इसकी अटैचमेंट इस तरह होती है बोन की कि उसको हम लोगों ने ट्रांसवर्स व्यू के ऊपर हमें इतनी अच्छी डायग्नोसिस नहीं होती है. ठीक, दिस इज द मेन डिफरेंस. उसके लिए स्ट्राइएशंस रिक्वायर्ड होती हैं, दैट्स व्हाई हम लॉन्गिट्यूडनल व्यू करते हैं पूरा का पूरा इसको देख. इसकी अटैचमेंट के लिए हम लोग जो है लॉन्गिट्यूडनल स्कैन करते हैं, अदरवाइज जो है जिस तरह की उसकी अपीयरेंस होती है हम लोग इसको शॉर्ट एक्सिस पर भी देख सकते हैं. विद अल्ट्रासाउंड लिगामेंट अपीयर्स एज होमोजेनियस हाइपर इक्विक बैंड्स. अब ये उससे भी ज्यादा हाइपर इक्विक होता है. ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी है? 2 to 3 mm. लाइन क्लोज टू द बोन.
मोस्ट कॉमन लिगामेंट्स कुछ आपको बताया, मैं इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है जब हमें एक एक रीजन पढ़ेंगे ना सारे लिगामेंट्स याद करने पड़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है. डेल्टॉइड, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, फिबुलोकैल्केनियन लिगामेंट, कोलैटरल लिगामेंट्स हैं, कोलैटरल एनुलर लिगामेंट हैं, ये जहाँ जहाँ होंगे ना ये वहाँ वहाँ के इंपॉर्टेंट ही हैं. अच्छा अब हमारे पास आ गया बरसात. व्हाट आर बरसात? अब देखो लिगामेंट वगैरह पढ़ लिए हम लोगों ने, अब अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे देखो ये सब चीजें मूवमेंट करवा रही है. मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड क्या है? जिनका काम ही हमारा मूवमेंट में आता है. ठीक, जब मूवमेंट होती है तो आपको पता है वहां पे फ्रिक्शन क्रिएट हो सकती है. तो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर ऐसे निजाम रखे हुए हैं कि उसके अंदर हमें अल्लाह ताला ने कुशंस दिए हैं कुछ, जिस तरह कहते हैं ना कुशन के अंदर हम कॉटन फिल करके रखते हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला ने उन कुशंस के अंदर वाटर जो है ना फ्लूइड फिल करके रखे हुए हैं, और इन कहीं पे वो कुशन किसी लिगामेंट वो क्या कह सकते हैं टेंडन के नीचे पड़ा होगा, कहीं पे हमारे मसल के नीचे ये बरसात पड़े होंगे. तो दीज आर द कुशंस जो कि एनिक्विक होते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. इन अ नॉर्मल जॉइंट द बरसा इज अ थिन ब्लैक एनिक्विक लाइन नो मोर देन 2 mm थिक. द बरसा फिल्स विद फ्लूइड ड्यू टू इरिटेशन और द इन्फेक्शन. ये इसकी अंदर जो है वो डिजीज, जो अगर हम बरसा की पढ़ते हैं ना तो अगर बिल्कुल एनिक्विक नजर आ रहा है दैट इज नॉर्मल बरसा. अगर उसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है तो वो हमें किस तरह के उसके अंदर डेब्रीज नजर आ सकते हैं, स्मॉल स्मॉल से हमें व्हाइट कलर के डेब्रीज नजर आते हैं. ओके, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ इफ्यूजन द बरसा विल डिस्टेंड एंड एनलार्ज. इंटरनल ब्राइटनेस एकोज आर इन्फ्लेमेटरी डेब्री, जो मैंने अभी बात की है कि अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है तो वो इन्फ्लेमेशन होगी तो वो हमें बिल्कुल एनिक्विक नजर नहीं आएगा, और उसके अंदर हमें क्या होगा स्मॉल व्हाइट डेब्रीज नजर आएंगी, दैट इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन. ठीक है, प्लस जो है वो क्या है उसकी अगर इफ्यूजन हो जाती है जो हमें एक ब्लैक लाइन जिस तरह की प्रॉपर पहले नजर आई थी उससे ज्यादा नजर आना शुरू हो गई है, दैट मीन्स कि उसके अंदर इफ्यूजन हो जाती है. अच्छा, जब भी हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड करेंगे एवरी टाइम वी हैव टू कंपेयर वन साइड विद द अदर. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अब कुछ चीजें हम लोग जिस तरह शोल्डर का फॉर एग्जाम्पल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो आया पेशेंट तो एक शोल्डर राइट शोल्डर में उसके प्रॉब्लम थी, हम राइट शोल्डर तो करेंगे ही करेंगे लेकिन हम लेफ्ट शोल्डर भी करेंगे फॉर द कंपैरिजन. कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें कंपैरिजन में रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो हम लोग जब देखेंगे कि राइट साइड जो है उसके अंदर उसको पेन था जो भी था वो जिस सिम्टम्स के साथ आया है उसके अंदर अगर बरसा में ये प्रॉब्लम है तो लेफ्ट साइड का बरसा उसका नॉर्मल है. ठीक है, उसमें थिन लाइन नजर आती है. एवरी टाइम अगर हमने नी का करना है तो हमने एक नी सिम्टोमेटिक है पेशेंट आया है उसके साथ, बट वी हैव टू कंपेयर द अदर वन. ठीक है, उसका भी हम स्कैन करेंगे. फिर आज नर्व्स, नर्व्स का वैसे तो मैं आपको पहले बता चुकी हुई हूँ ठीक है कि किस तरह के अल्ट्रासोनोग्राफी का अपीयरेंस है, लेकिन फिर भी हम उसकी एनाटॉमी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं. नर्व्स आर एक्सटर्नली सराउंडेड बाय शीट कॉल्ड एपिन्यूरॉन. ठीक है, उसी तरह जिस तरह की उसमें लेयर्स थी एंड द इनर जो हमारे पास लेयर थी पैरी वाली थी वो हर नाम के साथ उसके साथ कर लो, म्यूजियम थी तो मसल की थी, टिनॉन था तो उसकी थी टेंडन की थी. इसके अंदर भी क्या है सेवरल सेप्टा इनविजिलेट फ्रॉम इट टू इनविजिलेट इट टू फॉर्म द पेरिन्यूरियम. अब पेरिन्यूरियम, न्यूरियम मींस न्यूरॉन्स विद सराउंड बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर नेम फेसिकल्स. इसके अंदर भी बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं, जिस तरह मैंने बताया था ना कि उसको ट्रांसवर्स सेक्शन में देखोगे तो वो फेसिकल्स या फाइबर्स हमें किस तरह के नजर आएंगे. ठीक है, वेरी लाइट. अब इसके अंदर भी स्ट्राइएशंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि फेसिकल्स है हमारे पास, इसके अंदर फाइबर्स जो है वो नजर आते हैं, तभी तो हम जब इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट में करते हैं, कट में देखते हैं तो वो हमें स्मॉल डॉटेड लाइंस या स्मॉल डॉटेड जो है ना अपीयरेंस देती है, और उसके अंदर भी इसी तरह देती है. लेकिन उसके अंदर मैं अभी आपको ना एक इमेज दिखाती हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, वेरी लाइट एंड थिन सेप्टा राइजिंग फ्रॉम द पेरिन्यूरियम स्प्रेड इन टू द फेसिकल टू सराउंड एवरी सिंगल नर्व फाइबर एंड दस फ्रॉम द एंडोन्यूरॉन. ये इनर मोस्ट लेयर हो गई. ठीक है, ये लेयर्स आप तीनों के बस नाम देख लेना इस इमेज के अंदर है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इमेजेस कुछ दिखाती हूँ. अच्छा, अल्ट्रासाउंड प्रोवाइड एडवांटेजेस ओवर MR इमेज. ठीक है, ये लास्ट हमारी दो तीन स्लाइड्स रह गई हैं कि हम MRI इमेजिंग क्यों नहीं करते हैं हम लोग. चलो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है, ये पढ़ने से पहले मुझे कोई बताएगा इसका आंसर कि MR जो है उसकी रेजोल्यूशन इससे बहुत 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 बेहतर हो सकती है, तो हम अल्ट्रासाउंड क्यों करते हैं और MRI क्यों करते हैं, किन किन केसेस में हम MRI करते हैं, और ये मैं पूछूंगी क्वेश्चन. रुक जाओ, फाइव
फातिमा खान, फातिमा खान उठ जाओ, नहीं उठी। अमारा यासीन जी मैम, चलो आप बताओ कि अल्ट्रासाउंड और एमआर इमेजिंग का क्या एडवांटेज है, हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड के उसके ऊपर देखें तो किन में हम जो है वो अल्ट्रासाउंड रिक्वायर्ड होता है एमआर इमेजिंग, और किसके लिए हम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, और क्या इनके एडवांटेजेस है, अच्छा सा आंसर देना मुझे। अली हैदर, यस मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ जी गुड मॉर्निंग मैम, मेरी ताई मेरी फोत हो गई है, मैं उनके वही जनाजे के साथ ही बैठा हूँ अभी। ओहो, मैंने मौसम को भी बताया है, मैं आंसर नहीं कर सकता अभी मैम। ओके ओके चलो ठीक है, थैंक यू मैम। अल्लाह नवाज, यस मैम, आप दो आंसर। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दूं, मैं पूछ रही हूँ एमआर इमेजिंग और एमआरआई में भी तो एमआरआई में भी तो हम मस्कुलोस्केलेटल स्कैन करते हैं ना, उसकी रेजोल्यूशन तो बहुत बेहतर होती है अल्ट्रासाउंड से, तो व्हाई अल्ट्रासाउंड एंड व्हाई एमआर, क्या एडवांटेजेस हैं दोनों के, किन केसेस में हम एमआर को प्रेफर करेंगे और किन केसेस में हम जो है अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करेंगे। मैम करेक्ट आंसर का नहीं पता, देख लो फिर तुम लोग क्या करते हो, हैं फिर कहते हो कि वाइवा में मैम आप क्वेश्चन दे जो है ना, मैम मैं बताऊं मुझे क्या समझ आई है, कौन है ये, मासूमा, मासूमा आप बताओ। मैम जैसे मेमो में हम लोग पहले जैसे फर्स्ट हैंड मोडालिटी मेमो होती थी, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर भी फर्स्ट हैंड मोडालिटी हमारी अल्ट्रासाउंड होती है, हो सकता है हम लोगों को पैथोलॉजी अल्ट्रासाउंड के ऊपर ही नजर आ जाए, क्योंकि एमआरआई के अंदर हम लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और वो एक्सपेंसिव भी होता है। अच्छा मैम बहुत ज्यादा उसके अंदर डिटेल्ड मिल सकती है, अल्ट्रासाउंड वाइडली अवेलेबल भी हो सकता है, हम लोग इजिली कर भी सकते हैं इसलिए। अच्छा जुर्वा अजीम, आप बताओ रियल टाइम इमेजिंग के। अच्छा जुर्वा अजीम आप बताओ, अल्ट्रासाउंड रियल टाइम इमेज पढ़ा था कि जो अल्ट्रासाउंड होता है ना उसमें हम लोग मूवमेंट करवाकर भी मतलब जो है वो अल्ट्रासाउंड उस वक्त कर सकते हैं, और इसके अलावा जो बायोप्सीज वगैरह होती हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉइंट, ठीक है एक पॉइंट है जो मैंने बताया था, वेरी गुड। इसके अलावा कोई अल्ट्रासाउंड में आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती और एमआरआई में। ठीक है वेरी गुड, MRI time taking होती है, उसमें patient के movement का भी होता है कि artifacts आ जाते हैं। मैम अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग smaller parts की सिर्फ अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, MRI में हम लोग large body parts या पूरा पूरा joints या पूरी leg पूरा body like पूरे पूरे organs देख सकते हैं जो हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी में नहीं होता। अल्ट्रासाउंड superficial के लिए होते हैं और MRI में हम deep structure भी देखते हैं। ठीक है मारिया, यस मैम, जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि मैम जब हम एमआरआई प्रेफर कर रहे होते हैं वो शायद हम सॉफ्ट टिश्यूज के लिए कर रहे होते हैं, तो हम इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह के जो देखते हैं ना मसल्स उसके लिए शायद प्रेफर करते हैं, और जब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स जैसे कि हमारे एक्सटेंडर हैं बोन्स के वो नी के जॉइंट्स हैं और उसके जो फ्लेक्सर हैं एक्सटेंसर्स हैं जो हमारे स्केलेटल मसल्स में आते हैं, ये मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अगर हम इनको देखें तो हम जो है वो अल्ट्रासाउंड प्रेफर कर रहे होते हैं। आई थिंक ये डिफरेंट बहुत अच्छा आ गया, आपने एक पॉइंट जो है हमने बताया है
ठीक है ऐड किया, बल्कि हमारे इस एडवांटेजेस के अंदर वैसे माशाल्लाह सबने बड़े अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं और कितने ज्यादा पॉइंट्स हो गए हैं कि एडवांटेज में. नंबर वन जो है वो एमआरआई जो है वो टाइम टेकिंग है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड है वो हमारे पास फास्ट स्कैन है, हम जल्दी से उसको परफॉर्म कर सकते हैं अगर पेशेंट इमरजेंसी में आया है. नंबर टू उसके अंदर हमें आयनाइजिंग रेडिएशन वैसे बेसिकली दोनों में ही नहीं है, वो एमआर इमेजिंग है और ये अल्ट्रासाउंड है, आयनाइजिंग रेडिएशन दोनों में नहीं है, ये एक एडवांटेज दोनों का है, ठीक है. एक जो है दोनों को डिफरेंट करता है एक टाइम, ठीक है. दूसरा जो है फिर उसके बाद हमारे पास आ गया ये बड़ा अच्छा, मारिया ने एक हमें पॉइंट बताया कि हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर सिर्फ स्केलेटल मसल्स को ही देख सकते हैं, ठीक है, जो डीपर स्ट्रक्चर्स के हमारे पास मसल्स हैं वो हम लोग इतने अच्छे अल्ट्रासाउंड पर नहीं दे सकते जितने के हम लोग उसके ऊपर देख सकते हैं एमआरआई के ऊपर, और प्लस हम लोग उसके अंदर कोई डिटेल ऐसी देखनी हो जो कि हमें अल्ट्रासाउंड पर क्लियर नजर नहीं आ रही तो उसके लिए हम लोग एमआरआई करते हैं, बट फॉर द एडवांस अगर हम लोगों को कुछ इस तरह का देखना है तो. अदरवाइज फिर हम लोग कहते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स साइन सिम्टम्स जो कि पेशेंट आ रहा है विद मूवमेंट, उसको कंप्लेन्स हैं तो कंप्लेन्स ऑफ मूवमेंट की हम लोग फिर अल्ट्रासाउंड की तरफ आ जाएंगे कि हम, क्योंकि दिस इज द डायनामिक इमेजिंग, तो डायनामिक इमेजिंग में हम क्या करते हैं ड्यूरिंग स्कैन पेशेंट को मूव करवाते हैं और ड्यूरिंग मूवमेंट हम लोग अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं और वो हमें उसका एक एडवांटेज ये हो गया, ठीक है. कितने सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए, ठीक. मारिया और मायदा फिर से कुछ ऐड करना चाह रही हूँ. यस मैम. बताओ मैम, अगर मेटालिक इम्प्लांट्स हों तो हम एमआरआई नहीं कर सकते, उसमें अल्ट्रासाउंड प्रेफर करेंगे. एक्सीलेंट, एक और अच्छा पॉइंट आया है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि मोस्टली हमारे पास फ्रैक्चर्स कोई ऐसे आ जाते हैं और इसके अलावा हम लोग हमेशा जो है बीच में कोई इम्प्लांट हुआ होता है, ठीक है, जब फ्रैक्चर्स हों या कोई ऐसी देखे होंगे आप लोगों ने कोई रॉड लगी हुई है किसी को कुछ लगा हुआ है, अगर उसके लिए हमें स्कैन करना पड़ जाए तो हम एमआरआई नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इम्प्लांटेशन हुई है. वेरी गुड. मारिया आप क्या ऐड करोगे? पर्दन. हाँ जी बताओ, आपने हैंड रेस किया हुआ? मैम पहले के लिए किया था. अच्छा पहले किया था, ठीक है, वेरी गुड. ठीक है आप लोगों ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, ये सारे कंपाइल करो तो एक बार ये हमारे पास एडवांटेजेस बन जाएंगे एमआर इमेजिंग के ओवर अल्ट्रासाउंड के, ठीक है, एक तरफ एमआर के लिख लेना एक तरफ अल्ट्रासाउंड के लिख लेना. अच्छा, अ हायर स्पेशल रेजोल्यूशन एंड द एबिलिटी टू एक्सप्लोर लॉन्ग सेगमेंट्स ऑफ द नर्व ट्रंक्स इन अ सिंगल स्टडी, ठीक है. एक ये पॉइंट किसका है? इसके अंदर हम लोग जो है ना एक नया फीचर आया है अल्ट्रासाउंड के अंदर, काफी हायर मशीन के अंदर होता है, जिसको कहते हैं हम पैनारोमिक इमेजिंग. पैनारोमिक इमेजिंग क्या होता है, आप लोगों ने कई लोगों के मोबाइल में भी ये फीचर होगा पैनारोमिक इमेजिंग का, जब हम लोग इमेज लेते हैं तो आपने देखा होगा आप मोबाइल को मूव करते हो एक बिल्कुल सामने जिस तरह आपके पास एक इमेज है उसको नहीं आप थ्री क्या कह सकते हैं आप इसको बड़े से एरिया को जो है वो एक ही पिक्चर में हम लेके आ सकते हैं, पता है ना, जमीर को बहुत अच्छे से पता होगा. इसी तरह हमारे अल्ट्रासाउंड के अंदर ये एक फीचर आ गया है. इसके अंदर क्या होता है कि हम बटन ऑन करते हैं, अब हमारे पता है कितने लॉन्ग लॉन्ग मसल्स होते हैं, हमने पूरा उसको एक ही पिक्चर के ऊपर एक ही स्क्रीन के ऊपर लेके आना हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है. तो अब क्या करते हैं हम उसके लिए पैनोरामिक इमेजिंग का बटन ऑन करते हैं और हमारी प्रोब जहां से वो उसका इनिशियल ओरिजिन है या इंसर्शन है वहां तक हमने प्रोब को मूव करना है जिस तरह हम अपने मोबाइल को मूव कर रहे होते हैं, ठीक है. जब हमने पैनोरामिक इमेजिंग का बटन ऑन कर दिया फिर हम अपनी प्रोब को मूव करेंगे, मूव करते हुए जहां तक हम लोगों ने देखना है वो उसको लेकर जाएंगे अपनी प्रोब को और उसके बाद स्टॉप करेंगे तो वो जितना भी इमेज बेशक पूरी आर्म का हम लोगों ने देखना हो वो एक ही इमेज के ऊपर हमें इतना बड़ा पूरा एक ही नजर आएगा, सेगमेंट्स में नजर नहीं आ सकेगा, ठीक है क्या, क्योंकि हमारे पास मोस्टली लॉन्ग सेगमेंट्स ही होते हैं नर्व के भी मसल्स के भी और जो हमारे जितने भी टेंडन्स वगैरह भी देखने हैं तो हम एक गो में नहीं देख सकते होते मोस्टली, तो अगर वो देखना है हमें तो वो फिर हम लोग पैनोरामिक इमेजिंग के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है. टू एग्जामिन नर्व्स इन बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक स्टेट्स विद रियल टाइम स्कैनिंग, ये तो उसका एडवांटेज बता दिया हुआ है कि अल्ट्रासाउंड वैसे ही रियल टाइम इमेजिंग है तो मोस्टली स्ट्रक्चर्स जिनके लिए हमें मूवमेंट करवानी पड़ती है उसके साथ ही हम लोग ये सब चीजें देख सकते हैं. अच्छा, सिस्टमैटिक स्कैनिंग ऑन शॉर्ट एक्सिस प्लेन्स इज प्रेफर्ड टू फॉलो द नर्व्स कंटीन्यूअसली थ्रू आउट द लिम्ब्स, ऑन लॉन्ग एक्सिस देयर अपीयरेंस इज सिमिलर टू द टेंडन बट लेस एकोजेनिक. ये मैं किसकी बता रही हूँ, नर्व की.
Nerve typically appear as multiple hypoequic parallel lines appear separated by a hyperequic bands. और ऑन शॉर्ट एक्सेस वही हनीकॉम अपीयरेंस मैं बता चुकी हूँ, ब्राइट डॉट्स नजर आते हैं इनकी एक्वाजेनेसिटी के अंदर, ठीक है. द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द नर्व्स आर यूजुअली अनडिफाइंड ड्यू टू सिमिलर हाइपर एक्विक अपीयरेंस ऑफ बोथ द सुपरफिशियल एपिन्यूरियम एंड द सराउंडिंग फैट, ठीक है. तो उससे हम थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है अगर उसके सराउंड में कोई फैट पड़ी हुई है तो, क्योंकि वो भी ब्राइट होती है और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो भी ब्राइट नजर आती है. नर्व्स आर कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर, ओके. एक पॉइंट ये भी है कि अब जब हम प्रोब के साथ उसको थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे तो वो थोड़ी सी डी शेप हो जाएगी, जो बिल्कुल राउंड नजर आ रही थी वो थोड़ी सी ओवल हो जाएगी ड्यू टू द कंप्रेशन. तो नर्व्स आर कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर्स. अल्टर देयर शेप डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द एनाटॉमिक स्पेसेस विद इन विच दे रन एज वेल एज ऑन द बल्क एंड कंफर्मेशन ऑफ द पेरिनेरियल स्ट्रक्चर्स. खत्म हो गई हमारी आज की क्लास और उसके अंदर जितने हमने बेसिक चीजें पढ़ी थी वो कवर हो गई है, टेंडन लिगामेंट्स और ये. अब मैं आपको इमेज एक दिखाती हूँ अगर मुझे गूगल पे मिल जाती है तो. ये जो एरो आपको नजर आ रहा है एक सर्कल सा आपको नजर आ रहा है बच्चों? जी मैम. यस मैम. व्हाइट कलर का सर्कल है और उसके अंदर व्हाइट डॉट्स देख रहे हो? जी मैम. दिस इज द हनीकॉम अपीयरेंस और ये नर्व है. इसको अगर कंप्रेस करें तो वो ओवल हो जाती है यूं, ठीक है. और ये इसका कौन सा व्यू है? शॉर्ट एक्सिस. शॉर्ट एक्सिस, ठीक है. ट्रांसवर्स व्यू. और ये कौन सा है? इसमें आपको टेंडन्स की तरह इसके अंदर भी छोटी छोटी व्हाइट बड़ी बड़ी बल्कि लाइंस नजर आ रही हैं व्हाइट. ये भी फेसिकल्स जिस तरह के इसके अंदर नजर आते हैं इसी तरह की नजर आती हैं इसके अंदर नर्व के अंदर भी. ओके, तो दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल व्यू एंड दिस इज द शॉर्ट एक्सिस व्यू. शॉर्ट एक्सिस पे हनीकॉम अपीयरेंस है, शॉर्ट शॉर्ट से इसके अंदर डॉट्स नजर आते हैं और ये, ठीक है. बाकी जो है हम लोग जब मसल्स और वो सारे पढ़ेंगे उनके साथ साथ पिक्चर्स वगैरह देखते रहेंगे. जस्ट वो आप लोगों के मैं नॉलेज के लिए वो थोड़ा सा इमेज दिखाना चाह रही थी कि मसल्स स्केलेटल के अंदर इस तरह की बलाएं नजर आती हैं सारे, ठीक है. अब ये देखो जहां पे हमें बोन नजर आती है ना, बोन को हम इतना अच्छे सिर्फ उसका अपर मार्जिन जो होता है वो देख सकते हैं. अगर उसके अंदर कोई फ्रैक्चर होगा तो वो उसके अंदर डिसकंटिन्यूएशन नजर आ जाएगी. अब ये देखो ये एक रेडियस की बोन है, ये व्हाइट कलर की बोन की पीछे कितना ज्यादा शेडो है, कुछ क्लियर नजर नहीं आ रहा. बिकॉज बोन है ना, आपने पढ़ा होगा अल्ट्रासाउंड के अंदर कि पोस्टीरियर शेडोइंग है हार्ट स्ट्रक्चर्स के पीछे, ठीक है. तो ये हार्ट स्ट्रक्चर उसके पीछे हमें शेडो नजर आ रहा है, ब्लॉक कर दी है उसने एक्वस, एक्वस है वो सारी रिटर्न बैक हो गई है. तो हमें सिर्फ अपर जो उसके मार्जिन है ना बोन का वही नजर आता है, पीछे हमें कुछ नजर नहीं आता. अगर इसके अंदर कोई फ्रैक्चर होगा तो उसके अंदर सिर्फ डिसकंटिन्यूएशन ही हमें फील होगी. तो हम बोन्स को इतने क्लियरली इसके ऊपर अल्ट्रासाउंड का तो बिल्कुल नहीं देख सकते, बस एक फ्रैक्चर को ही देख सकते हैं. बाकी बोन्स के लिए हम क्या मॉडलिटी यूज करेंगे? एक्सरे. एक्सरे. एक्सरे में बिल्कुल सही है, ठीक है. अच्छे बच्चे हो गए, पढ़ते हो वैसे. अच्छा और कोई क्वेश्चन हो किसी से? आज की क्लास तो खत्म हो गई है. मैम. हाँ जी मैम. जिस तरह आपने नर्व और मसल्स का डिफरेंस बताया था ट्रांसवर्स व्यू में, तो मैम इस तरह को लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में भी बता दें डिफरेंस. कोरोनर व्यू में, कोरोनर व्यू के अंदर भी हम लोगों को जिस तरह लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन में नजर आता, यही क्वेश्चन है ना आपका? यस मैम. लॉन्गिट्यूडिनल व्यू में डिफरेंस बता दें नर्व और मसल्स. लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन के अंदर भी जिस तरह हमें प्रोब रखते हैं ना, सेम उसी तरह ही कोरोनर के अंदर, उसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन का जिस तरह लॉन्ग लॉन्ग स्ट्राइशंस नजर आती है ना, सेम वैसे ही कोरोनर. कोरोनर और ट्रांसवर्स व्यू सेम होते हैं, ठीक है. बस उसको अगर हम न्यू उसके अपीयरेंस की बात कर रही हूँ ना, तो अपीयरेंस उसी तरह लॉन्गिट्यूडिनल ही होती है. एक कट सेक्शन है और एक लॉन्ग है बस. ओके मैम. बस ये होता है नर्व्स में भी डिवाइड करता है इंटीरियर पोस्टीरियर को और वो हमारा राइट लेफ्ट को डिवाइड करता है. लेकिन मेनली तो हम लोगों ने उसके उसको शॉर्ट एक्सिस में जिस तरह कट करते हैं उस तरह देखना है, या फिर हमने लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन में जिस तरह होता है उस तरह देखना. मैम नर्व्स में भी स्ट्राइएशंस अपीयर होंगी? हाँ जी, टेंडन्स की तरह, ठीक है. अच्छा मैं अब आपको मसल्स दिखाऊं पहले. वैसे ही हमारे सारे लेक्चर्स में है, मैं साथ साथ दिखाती रहूंगी. मैम
मैम तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे नर्व और मसल्स को? मैं बताती हूँ, इजीली जो है ना डिफरेंशिएट हो जाते हैं ये मसल्स। मसल्स के अंदर जिस तरह की पिनियट स्ट्राइशंस होती है ना उससे नजर आ रही होती है, देखो कितना अच्छा। बीच में जैसा पत्ता नहीं होता, लीफ देखा है ना, उसके अंदर एक इस तरफ को जा रहे हैं फाइबर्स, कुछ इस तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। एक ये मसल है, ये बायपिनेट मसल था। अच्छा ब्लैडर आ गया, एक तो उनकी एकोजेनेसिटी से हम लोग उनको डिफरेंशिएट करेंगे। ओके मैम। और मसल तो इतना थोड़ा सा उसकी थिकनेस कंपैरेटिव टू अदर्स, टेंडन तो बहुत क्लियरली नजर आ जाता होता है, वाइट ज्यादा होता है और बोन के सारे अटैच होता है। और बाकी टेंडन और मसल को कैसे करेंगे, एक तो उनकी थिकनेस की वजह से। अब देखो मसल हमें देखो प्रॉपर फील हो रहा है कि मसल है, ठीक है। ये देखो इधर से लेके इसके अंदर देख लो, इसके अंदर स्ट्राइशंस, ये वाइट 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 इस तरह की नजर आ रही है। ये प्रॉपर मसल फील हो रहा है। आपने मीट देखा ही होगा ना, जब आप लाइव मीट देखते हो जी मैम, ठीक है। मीट को देखो तो उसको किस तरह, उसके गोश्त के अंदर किस तरह की, इसी तरह का होता है ना, इसके अंदर स्ट्राइशंस ही होती है, बंडल्स नजर आ रहे होते हैं। सेम आप अगर इमेज करो उसका अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो वो सेम हमें इसी तरह का मसल नजर आएगा, ठीक है। अच्छा मैंने एक ट्रेनिंग ली थी बड़े मजे की, अब ये ना घर जाकर तुम लोग गोश्त के साथ कुछ करना शुरू कर दो। वहां पे ना उन्होंने ऐसा मीट का बड़ा बड़ा सा पीस रखा हुआ था, और उसके अंदर हम लोगों ने जो ट्रेनिंग थी वो थी नर्व ब्लॉक के ऊपर। तो नर्व ब्लॉक में नर्व को ना ब्लॉक करना था। अब हमें था कि मसल के अंदर उसको इंजेक्ट करना है, और हमें अल्ट्रासाउंड गाइडेड करना था, अल्ट्रासाउंड की प्रोब ऊपर रखते हुए, और हमारी नीडल कैसे नजर आती है व्हाइट कलर की, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, किस तरह एंगल देना है उसको। और फिर हम लोगों ने कोई व्हाइट कलर की चीज अंदर रखी होती, जब अब वो तो एक पीस था ना मीट का, तो अब हमने उसके अंदर कोई ऐसा खुद ही इंसर्ट किया होता था, कोई भी ऐसा उसके अंदर सुराख करके ना, कोई भी चीज ऐसी जो व्हाइट कलर की नजर आ सकती थी वो इंसर्ट करके, फिर हमने मसल के थ्रू, क्योंकि हमें इतना पता होना चाहिए था कि हमने मसल के अंदर प्रेशर कितना रखना है ताकि नीडल आगे इंसर्ट हो सके, ठीक है, ताकि हमें मसल के अंदर फील हो रहा हो कि हम अगर रियल बॉडी के अंदर भी अगर इंजेक्ट करते हैं तो ये इस तरह का प्रेशर रखना है। ऊपर रखते थे प्रोब और व्हाइट कलर की वो चीज नजर आती थी, तो हम उसके अंदर यू इंजेक्ट कर रहे होते थे। हमने बड़ी ट्रेनिंग इस तरह की है। अगर फिर अगर मीट नहीं मिलता था तो हमारे सर कहते होते थे घर पे जाके ना कोई ऐसा किया करो, कोई ऐसी चीज जाली होती है ना, जाली जिस तरह, तो जाली को फ्रीज कर लो, और जाली के अंदर पहले फ्रीज करने से पहले जब वो बिल्कुल लिक्विड होता है उसके अंदर कोई चीजें डाल लो, जिसमें कोई क्या कहते हैं गाजर मूलियां मटर इस तरह की डिफरेंट चीजें डाल के उसको फ्रीज कर लो। जब वो फ्रीज हो जाएगा उसके बाद फिर हम ऊपर प्रोब रखते थे और नीडल को इंसर्ट करते थे, और वो हमारे पास उस तरह हम ट्रेनिंग करते होते थे उसकी। बड़े मजे का हम लोगों को उसमें फील होती थी सारी चीजें। तो फिर मसल्स का किस तरह का वो नजर आता है, ये सारी चीजें हमने इस तरह उस पर लाइव देखी थी। तो आप लोग उसको देखो मीट को कि वो हमें रियल में किस तरह का नजर आता है, तो बस वो देख लो उसके अंदर किस तरह की चीजें होती हैं, तो वो हमें अल्ट्रासाउंड करोगे तो उसके ऊपर कैसी चीजें नजर आएंगी, ठीक है। और जो इसका इसकी थिकनेस ज्यादा होती है और जो टेंडन्स होते हैं उसकी थिकनेस कम होती है, ठीक है। मैं वो टेंडन भी दिखाती हूँ आपको, अब ये देख रहे हो, ये हमारे पास बोन थी पटेला थी, अब ये पटेला टेंडन ऊपर से आ रहा है, देख रहे हो स्ट्राइएशन, और इसकी थिकनेस उससे कम है मसल से, उसके अंदर वाइट वाइट लाइंस में गैप बहुत ज्यादा था, इसके अंदर गैप कम होता है, साथ साथ हमें मिल रही होती हैं इसके अंदर फेसिकल्स, क्लियर हो रही है ये बात। और फिर ये यहाँ से ऊपर से तो मसल बड़ा सा होता है ना, मसल थोड़ा थिक होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो थिन होना शुरू हो जाएगा टेंडन, और ये हमारे साथ बिल्कुल थिन होकर ये बोन के ऊपर अटैच हो गया, क्लियर हुई है जी मैम। मसल्स के अंदर गैप देखे थे, वाइट वाइट लाइंस के गैप बहुत ज्यादा थे, इसके अंदर ये वाइट लाइंस बिल्कुल साथ साथ अटैच है, और इसकी थिकनेस उससे थोड़ी सी कम होती है, और ये अगर देख रहे हो उसकी थिकनेस और ये बोन के साथ आगे, अगर हम उसको प्रोब को मूव करते हुए लेके जाएंगे इसके ओरिजिनल इंसर्शन को देखते हुए, तो वो फिर हमारा इंसर्शन किसी बोन के ऊपर ही होगा, तो दैट मीन्स दिस इज टेंडन, ओके क्लियर हो गई। मसल भी किस तरह का नजर आ गया, टेंडन में लिगामेंट देखते हैं, लिगामेंट तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आएगा दो बोन्स को जिसने अटैच किया होगा, लेकिन ये तो कोई डिजीज लग रहा है, क्योंकि इसकी एकोजेनेसिटी जो है ना वो नहीं, सॉरी ये है ऊपर व्हाइट कलर का,
नजर आ रहा बैंड? यस मैम। ये हमारे पास क्या है? फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है, ब्लैक थोड़ा सा। और ये हमारे पास क्या है? पटेलर बोन, जो छोटी सी नहीं होती नी के ऊपर, क्लियर हो रही है? ये फिबुला, और ये ऊपर वाली बोन कौन सी होती है? फीमर। फीमर, फिबुला, इन दोनों को साइड से कोलैटरल लिगामेंट जो है वो अटैच कर रहा है, ये नीचे बोन और ये, ठीक है, और ये दरमियान में हमारे पास ब्लैक कलर का फ्लूइड और ये पटेला। बड़ा अच्छा सा क्लियर सा है, बड़ा इमेज अच्छा है, ठीक है। अगर हम इसको नी की एनाटॉमी देखें तो अभी देखो ये साइड पे ये थे ना कोलैटरल लिगामेंट्स, ठीक है। अब इन्होंने इधर प्रोब रखी हुई है इस साइड पे लॉन्गिजुमल, ठीक है, इधर प्रोब रखी हुई है, तो नीचे हमें क्या नजर आती है? फिबुला बोन, ये रही, ठीक है। ऊपर क्या नजर आ रहा है? ये फीमर, ये वाली, ठीक है। और ये पटेला जो बीच में नजर आ रहा है, ये हमें यहाँ करके बीच में नजर आ रहा है, ये व्हाइट कलर की बोन, ठीक। और इसके अंदर फ्लूइड होता है, यहाँ करके सारा साइनोवियल फ्लूइड वो ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा लिगामेंट यू व्हाइट कलर का बैंड यू अटैच कर रहा है। क्लियर हुई है बात कि लिगामेंट्स हमें इस तरह बोन्स के साथ व्हाइट कलर का बैंड नजर आएंगे। अब तीनों को डिफरेंशिएट, इसके अंदर आप लोगों को फेसिकल्स नजर नहीं आ रहे हैं, कुछ स्ट्राइएशंस नजर नहीं आ रही है, नहीं आ रही ना, ऐसे कोई लाइन नजर नहीं आ रही है। तो बाकी टेंडन को और मसल को तो डिफरेंशिएट कर लोगे ना, वो कितना अच्छा क्लियरली आप, तीनों बहुत डिफरेंट है, बड़े इजीली तीनों को आप लोग डिफरेंशिएट कर लोगे कि ये लिगामेंट है, ये टेंडन है, और ये हमारे पास मसल है, ठीक है जी मैम। यस मैम। तीनों के पेरेंट्स आपको समझ आ गए। अब बाकी इमेजेस आपने इसी तरह की देखा करने हैं, बस ये बोन नजर आ रही है, शेडोइंग हो रही है, ये आपके पास ऐसी चीजें ऊपर मसल्स पड़े हुए हैं, स्ट्राइशंस के साथ ये लिगामेंट है, ये बोन है, ये ऐसी है, बस यही तीन चार चीजें हमने इसी तरह अल्ट्रासाउंड पे देखा करनी है, ठीक हो गया। चलो जी, कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया आज का लेक्चर। अब आगे इंशाल्लाह हम लोग एक लेक्चर छोटा सा है, वो थोड़ी सी डिजीजेस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम रीजन शुरू कर देंगे। पहले नी से स्टार्ट करेंगे, नी के पूरा लेक्चर पहला एनाटॉमी होगी, कौन सा लिगामेंट क्या कहलाता है, उसमें समझने वाला कुछ नहीं है, सारा रटा है, इस लिगामेंट का ये नाम है, ये मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ये चार मसल्स ये हैं, ये मसल्स हैं, ये फ्लेक्शन कराते हैं, ये एक्सटेंशन कराते हैं, ये जो है ये सब एनाटॉमी जब पढ़ लोगे फिर उसके बाद हम पैथोलॉजीज पढ़ेंगे कि जो फ्लेक्शन करा रहा है, अगर पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आया दैट मीन्स उसके फ्लेक्सर मसल्स में कोई प्रॉब्लम है, फिर कंप्लेन इस कंप्लेन के साथ आया दैट मीन्स उसके कोलैटरल लिगामेंट जो है वो टियर हुआ हुआ है, इस कंप्लेन वो पैथोलॉजीज पढ़ लेंगे, फिर हम इसको अल्ट्रासाउंड पे इसी तरह देखा करेंगे कि इसके अंदर अगर टियर है तो वो टियर कैसा नजर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये था, इसके अंदर अगर टियर नजर आ रहा है तो ब्लैक सी लाइन हमें प्रॉपर नजर आएगी, सारा अल्ट्रासाउंड ये है, देखो पूरा मैंने पढ़ा भी दिया, पूरा हम पूरा सेमेस्टर में यही चीजें पढ़ेंगे। मुश्किल क्या है, तो लोगों को फुल मार्क्स आने चाहिए सबके, जितना आसानी मस्कुलर का अल्ट्रासाउंड है ना, उसमें पढ़ने वाला कुछ ऐसा है नहीं, रट्टा ही है, सारा याद करना है आपको। मुश्किल होती है जब मैं इनका प्रैक्टिकल करवाती हूँ, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल थोड़ा मुश्किल होता है, चीजें जो है वो लाइव में इतनी अच्छी, ये जो इमेजेस है ना बहुत अच्छी मशीनों के हैं, बहुत अच्छी जो हाई रेजोल्यूशन की मशीन है ना, वो जो हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटी में मशीन है तो वो बहुत अच्छी मशीन, लेकिन उसके अंदर जो लीनियर प्रोब की फ्रिक्वेंसी है ना वो 7-8 तक ही है, बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी नहीं है, देख सकते हैं हम लोग, लेकिन वो उस तरह बहुत बहुत क्लियरली हमें इसके ऊपर नजर नहीं आएगा, उसके लिए हमें जो है ना हाई फ्रिक्वेंसी लीनियर प्रोब चाहिए होती है, ये लीनियर प्रोब है जो यहाँ लगी हुई है यूनिवर्सिटी में, और जो मसल्स के लिए चाहिए होती है वो होती है हाई फ्रिक्वेंसी लीनियर प्रोब, उसका जो आगे से वो होता है ना क्या, वो थोड़ा सा लंबा होता है और फेस जो उसका होता है पतला होता है थोड़ा सा, और ये जो स्कैन के लिए यूज होती है ना, ये ज्यादातर कैरोटिड और लीनियर स्ट्रक्चर्स देखने उनके लिए सुपरफिशियल जो है ना थायराइड और इसके लिए देखने हैं और मसल्स देखने हैं तो उसके लिए हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन है नहीं तो करूं एंड। मैम लास्ट लेक्चर में आपने टेल साइड का बताया था, तो वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल दोनों स्कैन्स में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर ही होगी? लॉन्गिट्यूडनल स्कैन में स्क्रीन के ऊपर जो टी मैंने बताया था जी मैम, ठीक, वो आपको स्क्रीन के ऊपर, अगर आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए ना तो आपका जो राइट हैंड है उस साइड पे जो है ना टी होगा स्क्रीन, ठीक है। मैम
मैम अगर पॉसिबल है तो हम लोग क्लास की टाइमिंग चेंज कर सकते हैं क्योंकि अभी तो मैंने भी कोशिश की थी बिकॉज मैं जब भी सुबह सुबह और आप लोग तो घर पे बैठे हुए हमें स्पेशल यहाँ पे क्लास लेने आना पड़ता है। मैं तो लेक्चर कई दफा सुबह सैरी के बाद बना के सोती ही हूँ और फिर बना के फिर मुझे यहाँ आना पड़ता है तो यहाँ आके लेक्चर देने खुद कोशिश की थी कि लेक्चर आगे हो जाए थोड़ा तो मैम फोर्थ स्लॉट में अगर पॉसिबल है तो वहाँ करवा लें क्योंकि हमारी नेक्स्ट क्लास फिफ्थ स्लॉट में है और वैसे रेगुलर क्लासेस में फिर हमारा 3 आवर्स का गैप आ जाएगा। इसके बाद आपकी क्लास 5 बजे नहीं मैम फिफ्थ स्लॉट 12 बजे एक्चुअली इसके बाद एक और मेरी क्लास होती है 20 मेमोग्राफी की लेकिन अभी तो वो सेक्शन मर्ज हो गया अभी कंफर्म नहीं है ठीक है। और दूसरा ये कि फिर बच्चों में ना क्लैशेस बहुत आ जाते हैं काफी बच्चों आपकी पूरी क्लास का अगर क्लैश नहीं है तो मुझे बताओ पूरी एक भी बच्चे का क्लैश आ जाता है ना तो मसला होता है कि मिस मेरी क्लास थी इस टाइम पे। यस मैम मेरा क्लैश पूछने फोर्थ फ्लोर का पूछने सबसे मैम फोर्थ स्लॉट में क्लास होती है देखा एक इसीलिए वो सारी चीजें देखते हैं मैम अगर वो नहीं तो हमें रूम की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती यहां पे हमें यहां पे क्लासेस की वजह से सर अफनान ने और डीन ने सबने इनको कहा था कि अपना रोड मैप फॉलो करें इसमें किसी ने भी अपना रोड मैप नहीं फॉलो किया। भाई जूनियर ने हमारे सब्जेक्ट क्यों उठाई है किसने सारे जूनियर हमारे सब्जेक्ट उठा रहे हैं पहले ये तो भाई सब ने क्रेडिट आवर्स पूरे करने हैं। क्रेडिट आवर्स पूरे करने थे तो हमने पूरे किए हैं ना अपने सब्जेक्ट रोड मैप के हिसाब से पढ़ के। चलो तुम लोग लड़ना शुरू कर दो क्यों उठाया उन्होंने भी पढ़ना है तुम लोगों ने भी पढ़ना है चलो पढ़ो सब रमजान है लड़ो रही नहीं नहीं मैम लड़ने की बात नहीं है क्रेडिट आवर्स पूरे करने की जरूरत नहीं है अगर आपके रोड मैप में कोर्स का कम है तो रोड मैप पे ये नहीं चलते ना इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि उन्होंने भी पढ़ना है आप लोगों ने भी पढ़ना है वो तो कोई मसला नहीं है लेकिन ये कि क्लासेस मेरे ख्याल आपके जूनियर्स के साथ ही आ रहे हैं आप लोगों के तो नहीं क्लास के मैम हमें कोई बात नहीं ना क्या हो गया आप लोग तो घर पे बैठे हुए लेक्चर ले रहे हो कोई बात नहीं स्लॉट का क्या मसला है आपको नींद पूरी करनी होती है हमसे पूछो हम लोग जो बेचारे इधर आके लेक्चर लेते हैं हमें तो इवन क्लासेस साइन की हुई है कि इस क्लासरूम में जाके आपने लेना है मेरे 2 कंसेक्टिव लेक्चर होते हैं एक बेसमेंट में और एक फिर ऊपर साथ ही जो है ना 3rd फ्लोर पे आती हूँ SHS की क्लास लेने कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं है यहाँ पे और रोजे में आप पहले बेसमेंट में क्लास लो फिर भाग भाग के अगली क्लास से 5 मिनट का डिफरेंस होता है 5 मिनट में ऊपर जाके सिस्टम ऑन करो सारा कुछ ये सारा कुछ इस तरह हम लोग यहाँ पे आप तो बेचारे मजे में हो घर पे बैठे हो बिस्तरों में क्लास ले रहे हो हर चीज आपको फिर इतने प्यारे नींद से आपको हर चीज हमारे लिए आपको तो स्पून फीडिंग करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी हर चीज यहाँ पे फिर उसके बाद आपको जी रिकॉर्डिंग भी सेंड करो क्लास में आधे बच्चे तो पता नहीं सुन भी रहे होते हैं नहीं सुन रहे फिर रिकॉर्डिंग भी सेंड करो फिर इनको लेक्चर्स भी सेंड करो इनको सब कुछ सेंड करो बच्चे कुछ करते नहीं है गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको पता ना टीचर्स कुछ भी नहीं करते सारा कुछ स्टूडेंट्स पे डालते हैं ये भी आप खुद करो ठीक है मैं दूसरा ये कि अब ना पहले तो ये एड ड्रॉप चल रहा था तो मैं कभी आ जाते थे बच्चे फिर मैं उनको ऐड करती थी फिर मतलब क्लास के लिए मुझे समझ नहीं आती थी तो अब फाइनल जब हो जाएगा कि इतने ही स्टूडेंट हैं इस क्लास में तो मैं सबकी जो है ना या तो एक लिंक बना दूंगी LMS के ऊपर तो उसी उधर ही आप जो आपकी टाइमिंग है 2nd स्लॉट की उधर से लिंक पे जाके जो है ना क्लास ज्वाइन कर लिया करना अगर मेरी ईमेल नहीं आती है तो अगर आती है तो इनकेस मैं वहां पे नहीं डाल सकूंगी तो वो फिर ईमेल आ जाएगी आप लिंक वहां से ज्वाइन कर लेना अगर नहीं तो फिर मैं एक ही दफा सारे स्केड्यूल कर लूंगी लेक्चर्स तो वहां से आप आके तो ज्वाइन कर लिया करना है तो पहले मैम मुझे नहीं आती आपकी मेल कौन है ये मैम आमना दा है आमना आपका फिर यही मसला होगा कि आप मेरे पास ऐड नहीं होगी आपने चेक किया मैं आज चेक करूंगी ए पोर्टल के ऊपर ठीक है लेट मी चेक मुझे काफी बच्चे जो है ना ए पोर्टल के ऊपर एयरपोर्टल के ऊपर अब यहाँ पे बच्चे जो है एयरपोर्टल पे 108 और कुछ इस तरह बच्चे आ रहे होते कुछ यहाँ पे नहीं इधर आ रहे होते तो वहां शो नहीं हो रहे होते तो उनका रजिस्ट्रेशन का मसला हो रहा होगा मेरी स्क्रीन तो नहीं शेयर हुई नो मैम अच्छी बात है ना मेरा पासवर्ड सामने लिखा हुआ है आप लोग देख
आमना ताहिर है ना? यस मैम। आमना ताहिर आपने लास्ट क्लास नहीं ली थी ना? मैम आज फर्स्ट है मेरी क्लास। हाँ वो एब्सेंट लगी हुई है लेकिन आपका नाम उस पर शो हो रहा है। ओके मैम। और मैम मेरी लास्ट क्लास में ना प्रेजेंट नहीं लगी हुई, मैं थी प्रेजेंट तो चेक कर लो। क्या नाम है? मैम जैनिश फातिमा। आपका जैनिश फातिमा? यस मैम। जैनिश शायद उस वक्त नहीं होगी, चलो अभी लगा देते हैं। मैम बाकी तो मैम ये लास्ट क्लास, मैम लास्ट क्लास की प्रेजेंट नहीं लगेगी? लास्ट क्लास की बता रही हूँ कि मैं लगी थी, आप लोगों ने चेक नहीं किया? मैम मेरी भी लास्ट क्लास में एब्सेंट लगी हुई है, मैं थी लेकिन दरमियान से डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर बाद में कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा दूसरा ये कि कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे बताते हैं कि वो प्रेजेंट थे, और वहाँ पे हमारे पास ना जूम के अंदर सारे की अटेंडेंस शीट आ जाती है, तो जूम के अंदर जिसने 15 मिनट से कम जिसने क्लास अटेंड किया ना उसकी एब्सेंट लगती है, ये बता रही हूँ। कुछ बच्चे होते हैं बस आके और फौरन चले जाते हैं बस अटेंडेंस लगाने के लिए, और जिनके 15 मिनट से कम का टाइम आ रहा होता है ना, जिनके टाइम ड्यूरेशन भी आ रहे होते हैं वहाँ पे कितने इस बच्चे ने इतने टाइम के लिए क्लास ज्वाइन की थी, इतने जिनकी 15 मिनट से कम होगी उनकी ऑटोमेटिकली एब्सेंट लगेगी, वो चीज भी देख लेना, ये नो बाद में मुझे बोलना। अच्छा मैं ना एक दफा मैंने ना सबके नाम बोल रही हूँ तो देखना किसका नाम नहीं है मेरे पास, अभी वहां पे ए पोर्टल पे 108 स्टूडेंट शो हो रहे हैं। आमिर शौकत प्रेजेंट है कि नहीं है? आमिर शौकत लास्ट क्लास में भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अब्दुल सबूर, अफनान जाहिद, एमन हबीब, एमन रिजवी, अली हैदर, आलिया शहबाज, अल्ला नवाज, अमीर हमजा। अमीर हमजा आपकी, अमीर हमजा प्रेजेंट है? यस मैम। बेटा आपका ना पोर्टल या तो ब्लॉक हुआ, कुछ है मसला है क्योंकि लास्ट अटेंडेंस भी आपकी नहीं लगी हुई है और अभी भी नहीं लग सकती है क्योंकि आपको वो पता नहीं ब्लैक हाईलाइट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है आपकी? यस वो मैंने मेल की हुई है सर को। ठीक है वो आप चेक कर लेना। फिर उसके बाद अमारा यासीन, आमना ताहिर, अनम नासिर, अनम तारिक, अनीजा आसिम, अरीना चौधरी, आसिफ अली, आतिका मरियम, आयशा, बिस्मा आसिफ, बिस्मा लतीफ, दाऊद, एहतशामुल्ला, फायका शहजादी, फाखरा जफर, फरा नूर, फरवा अमीन, फातिमा खान, फातिमा अहमद, फिजा असलम, हिना एजाज, हिना खालिद, हिना तारिक, हुमा कंवर, हुसनैन आसिफ, इरम सईद, जवेरिया शहजादी, कायनात अरशद, कशफ मकसूद, कशफ जाहिर, खतीजा नवाज, किरण रानी, लारेब जिया, महा अली, महान जाहिद, माहीन आसिफ, माहीन जफर, महनूर साजिद, मारूफ मतीउर रहमान, मलाइका ताहिर, मलीहा मरियम, मलाइका नदीम, मैमूना तारिक, मारिया फातिमा, मारिया कमर, मासूमा सज्जाद, मायदा रफीक, मोमिना अब्दुल कद्दूस, मुआज अरशद, मोहम्मद आमिर ताहिर, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद हामिद, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद राफे, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद यासीन, मुहिरा दलशाद, मुकद्दस, नादिर हुसैन, निमरा नौरीन, निमरा शहबाज, नुदरत नूर, राबिया अल्लाह रखा, रागीसा अनम, राजिया अहमद, रहमा सुहेल, रिजवान अली, रोहिना मुजफ्फर, सादिका शहजादी, सफा नूर, सामिया शाहिद, सना हबीब, सारा अनवर, सीमा प्यास, सहर नदीम, शहर बानो, शुमाइला कंवर, सिदरा शहजाद, सीमा भट्ट, सुम्बर मुश्ताक, सुमैया सादिया, तहसीन फातिमा, तायला इमरान, तलहा अली, तहरीम जफर, तूबा बाबर, उमैर वलीद, जैनब अंसार, जैनब सज्जाद, जैनिश फातिमा, जमीर अहमद, जमरा मुश्ताक, जोहा, जुनैश और जुर्वा। ये मेरे पास नाम है, कोई ऐसा नाम जिसका प्रेजेंट हो और मैंने नाम ना लिया हो? ठीक है मतलब सबका ही है। अब इनको ईमेल आया करेगी, ये जो 108 है स्टूडेंट, इनको ईमेल आया करेगी और इन्हीं की क्लास हुआ करेगी, अदर जितने वो अपना कोई मसला अगर है तो वो चेक कर लें। मैम ये पिछली क्लास की जो है वो मेरी आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो लास्ट क्लास की एब्सेंट ही लगेगी एड ड्रॉप वीक की? आपने क्लास तो ली नहीं थी, अब एब्सेंट ही लगेगी ना। एक्चुअली क्या होता है कि मसला ये नहीं होता, मसला ये होता है कि अब हम लोगों को इसके बाद अटेंडेंस लगा के ना ये रिपोर्ट शीट आपको की ना सर को सेंड करनी होती है कि यहाँ पे जितने प्रेजेंट है जितने एब्सेंट है,
तो वैसे आप लोग जो है ना क्लास लेने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने क्लास मैम रजिस्ट्रेशन हो रही थी ना तो उसमें प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैम मारिया मुस्तफा ने कहा था कि वो किसी के एब्सेंट नहीं है, आप टीचर से बात कर लीजिएगा। आपका नाम ही नहीं उस वक्त आ रहा था मैम, उस वक्त रजिस्टर ही नहीं हो रहा था। अच्छा, जो नहीं रजिस्टर्ड होते ना वो मेरे पास यहाँ पे उनके आगे लाइन ही शो हो रही होती, बट आपके आगे नहीं शो हो रही है, दैट मींस आपके रजिस्टर्ड हो चुका हुआ था तब सब्जेक्ट। मैम मैंने मेल की हुई थी मैम मारिया मुस्तफा को, फिर उन्होंने कल परसों मीटिंग अरेंज की थी तो फिर हुआ। अच्छा, वैसे है ना अटेंडेंस की इतनी टेंशन ना लो, मैंने इस बार असेसमेंट में आपके अटेंडेंस के मार्क्स कोई नहीं रखे हुए, अटेंडेंस के मार्क्स नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ मैं एक क्लास, ये ना हो कि इस चक्कर में अब आप लोगों ने क्लास लेना छोड़ दी, जो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स है ना वो मैं रखूंगी, वो मैं कहीं क्वेश्चन पूछ लिया कहीं पे कि आप लोगों से इसी तरह क्लास की पार्टिसिपेशन के कितने आप पार्टिसिपेट करते हो उसके मैंने मार्क्स लगाने हैं 5, तो उसके लिए आप जरूर क्लास लेना, लेकिन ये कि अटेंडेंस की इतनी फिक्र ना करो। लेकिन अच्छा है कि आप लोग लेक्चर्स अगर ले सकते हो तो लेक्चर ले लिया करो, समझ आ जाए चीजें, और क्लास पार्टिसिपेशन के अगर मार्क्स चाहिए 5 तो वो उसके लिए भी क्लास लेते रहो, ठीक है। बाकी अटेंडेंस को इतना वो ना रखो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, पता है हमें काफी बच्चों के जो है ना इश्यूज आ जाते हैं ऑनलाइन में, कहीं का नेटवर्क इशू है, कहीं की वो ऐसी जगहों से हैं जहाँ पे मुश्किल होता है उनका, तो अटेंडेंस के इस तरह ज्यादती हो जाती है दूसरे बच्चे के साथ, कि वो तो बेचारा उस एरिया में है तो उसका तो है ही वैलिड रीजन कि वो क्लास नहीं ले सकता, वरना तो है, इसलिए हम मार्क्स नहीं उसके लगाते। लेकिन ये क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स को जब बच्चा वो प्रेजेंट होगा तो मैं उसके ले सकती हूँ कि वो कितना पार्टिसिपेट क्लास में करता है या फिर चुप करके सुनता रहता है, ठीक है। मैम मुझे एहतिशाम का मैसेज आया, कहता है इधर सिग्नल बहुत वीक है तो माइक इसीलिए ऑन नहीं हुआ मेरा। अच्छा, उसका मैंने नाम लिया नहीं, मैं जब आपको बताऊंगी, अभी मैं क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स नहीं लगा रही हूँ, जब मैं लगाने लगूंगी ना 2-3 लेक्चर होने दो, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं कुछ क्लियर हो जाए आपको चीजें, फिर मैं बीच में 1-2 क्वेश्चन कर लिया करूंगी किसी से, तो मैं शीट अपनी साथ बना के लाऊंगी उधर, यहाँ पे मैं मार्क्स लगा दिया करूंगी क्लास पार्टिसिपेशन के, और उसकी वेटेज 5% होगी, ठीक है। ठीक है मैम, चलो ठीक है, अब क्लास एंड करते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।